हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू एसएस पिक्चर न्यूज चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कम्प्लीटली कैसे कलर एडिटिंग कर सकते हो, वो भी मोबाइल का फोटो। तो मोबाइल का फोटो कैसे एडिटिंग कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए फोटो एडिटिंग की सीरीज चालू किए। आज का जो सीरीज है 5 होने वाला है, एंड फोटो एडिटिंग का सीरीज 1, 2, 3, 4 बना दिया हूँ। तो आज जो सीरीज 5 होने वाला है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कि मोबाइल का फोटो कैसे कलर एडिटिंग कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, बट इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सर, कलर एडिटिंग के ऊपर कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि फोटो एडिटिंग का कलर कुछ अलग अलग होता है, क्योंकि सिनेमेटिक कलर अलग होता है, कलर टोन अलग होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, कुछ कुछ फोटो है बैकग्राउंड के पीछे स्काई टोन होता है, ग्रीन टोन होता है, येलो टोन होता है, ऑरेंज टोन होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, एंड मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कि फाइनल कैसे आप लोग कलर टीचिंग कर सकते हो, वो भी आसान तरीके से। ठीक है, फिर मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कलर टोन डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। यार हम इस फोटो को लेकर कलर एडिटिंग करने वाले हैं, एंड देख सकते हो ये वाली फोटो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर लग रही है। एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं कैसे बैकग्राउंड ब्लर किया हूँ, तो यार मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में वीडियो बना दी हूँ, एंड फोटो एडिटिंग का सीरीज चालू कर दी हूँ। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, हमारे चैनल पर आना, यहाँ पर प्लेलिस्ट पर चले जाना, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फोटो एडिटिंग, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं इस सीरीज़ के अंदर फोटो एडिटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे एडिटिंग करना है। जैसे यहाँ पर फोटो को कट करना है, फिर यहाँ पर DSLR की तरह ब्लर करना है, फिर यहाँ पर फेस को स्मूथ कैसे करना है, फिर यहाँ पर फेस को कैसे व्हाइट करना है, मतलब गोरा कर सकते हो, सारी प्रोसेस आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ज़रूर चैनल चेकआउट कर लेना, यहाँ पर मैं मोबाइल का फोटो मैं एडिटिंग करके दिखाता हूँ। आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को इस फोटो को कलर एडिटिंग कैसे कर सकते हो, मतलब बेस्ट टिप्स। ठीक है, तो ज़रूर से आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले यहाँ पर कलर एडिटिंग करने का सबसे पहले आसान तरीका है दो एप्लीकेशन। इस दो एप्लीकेशन के मदद से बहुत ही तगड़ा तगड़ा कलर एडिटिंग कर सकते हो, Lightroom एंड स्नैपसीड। तो कैसे करना है मैं आप लोगों को दिखा। ये फोटो को सबसे पहले स्नैपसीड के अंदर ओपन करना है। ठीक है, मतलब कुछ भी फोटो एडिटिंग करने से आगे, Lightroom से एडिटिंग करने के आगे स्नैपसीड के अंदर ज़रूर से ओपन करना, क्योंकि यहाँ पर जो डार्कनेस होता है एंड फेस वगैरह हाइड होता है। मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना दिया हूँ, मैं पहले से बोल दिया हूँ, तो जाकर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले व्हाइट करना होगा स्नैपसीड के अंदर, फिर आप लोगों को फाइनल एडिटिंग Lightroom के अंदर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फेस को मैं व्हाइट कैसे करूँगा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर टून इमेज में चले जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसका जो सेचुरेशन है सेचुरेशन को बढ़ा दूँगा। ठीक है, फुल्ली, मतलब लगभग यहाँ पर जो बैकग्राउंड वगैरह है मतलब कलर मतलब ज़्यादा कर देना है, सेचुरेशन को बढ़ा के एम्बियंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, जहाँ पर डार्कनेस आ जाएगा वहाँ पर व्हाइट कर देगा, एंड हाईलाइट को कम रहेगा तो बढ़ा देना थोड़ा सा, एंड यहाँ पर शेडोज़ को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, अब हम यहाँ से डन पर क्लिक कर देना, देन देख सकते हो बहुत ज़्यादा कलर आ चुकी है, एंड फेस का ऊपर कलर आ गया है। तो फेस को कलर व्हाइट करना है, तो इन ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सिलेक्ट टूल मिल जाएगा, तो सिलेक्ट टूल पर क्लिक करना है, फेस के ऊपर ले आकर कुछ इसी तरीके से छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जूम करके जूम आउट कर लूँगा, फिर यहाँ पर मैं मॉडल को जूम करूँगा, फिर इसके जो सेचुरेशन है ना, सेचुरेशन को माइनस की तरह करोगी तो यहाँ पर व्हाइट हो जाएगा फेस। ठीक है, देख रहे हो जैसे व्हाइट हो रहा है, यहाँ पर ब्राइटनेस को बढ़ाओगी तो व्हाइट हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा, एंड इसका जो टेक्सचर है टेक्सचर को बढ़ा देना है, देन फिर से एक प्लाजिक नंबर लेकर कुछ इसी तरीके से छोटा कर लूँगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से मैं सारी मतलब फोटो के अंदर जिस फेस को सबसे पहले व्हाइट कर लूँगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को Lightroom के अंदर आगे का प्रोसेस दिखाऊँगा, तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। सो यार यहाँ पर एडजस्ट कर लिया हूँ, यहाँ से डन पर क्लिक कर दूंगा, एंड देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छे यहाँ पर कलर एडिटिंग कर लिया हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर फाइनल कलर एडिटिंग करना है Lightroom के अंदर, एंड उसके आगे यहाँ पर जो फेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ पर चाहे तो स्मूथ कर सकते हो। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हूँ कि स्नैपसीड के अंदर कैसे स्मूथ कर सकते हो फेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ कलर एडिटिंग दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर शेयर पर क्लिक करूँगा, एंड इस फोटो को Lightroom के अंदर ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो चलो Lightroom के अंदर। सो यार Lightroom के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर जो लाइट एडजस्टमेंट करना था, तो लाइट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। ठीक है, तो
तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बना दिया हूँ कि कैसे लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो वो चैनल पर जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। एंड यहाँ पर मैं फोटो के हिसाब से जल्दी से कर लूँगा, तो यहाँ पर शैडोज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, हाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड ब्लॉक्स को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। देन ये करने के बाद यहाँ पर क्रॉप पर चले जाना यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं मैक्सिमम साइज को चूज़ कर लूँगा इंस्टाग्राम 4.5, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट करके जूम क्रॉप कर लूँगा। देन यहाँ पर राइट पर क्लिक। सो ये करने के बाद यहाँ पर फेस को स्मूथ कर लेना है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बना दिया हूँ, तो जब मैं जल्दी से यहाँ पर फेस को स्मूथ कर लेता हूँ फिर मैं आगे का प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ। सिलेक्ट टूल में जाकर यहाँ पर ब्रश सिलेक्ट कर लेना, देन यहाँ पर साइज मुताबिक करके रख सकते हो। एंड यहाँ पर जूम करके, सॉरी यार, यहाँ पर जूम करके फेस के ऊपर कुछ इसी तरीके से पेंट कर लूँगा, ठीक है, मैं जैसे दिखा रहा हूँ। तो जहाँ पर स्मूथनेस चाहिए वहाँ पर कर लेना है। आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं जल्दी से कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बना दिया हूँ, जिसने देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर ऑलरेडी देख सकते हो, ठीक है। सो यह सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर पेंट कर लिया हूँ। एंड इफेक्ट पर चले जाना, इसका जो क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी को थोड़ा सा माइनस कर लेना एंड टेक्सचर को थोड़ा सा माइनस की तरह करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा स्मूथ हो चुकी है बहुत ही आसान तरीके से, तो इसका डिटेल में जाकर देख लेना, चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी, ठीक है। तो माइनस की तरह करूँगा तो लाइट हो जाएगा, ठीक है, डैच को। तो यहाँ पर डन पर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, कलर एडजस्टमेंट करना है बैकग्राउंड को कलर करने के लिए, तो कलर पर चलूँगा। इसका जो वाइब्रेंस है आप लोगों को लगभग 50 के आसपास, मतलब जितने भी फोटो एडिटिंग करना है आप लोगों को वाइब्रेंस को 50 के आसपास रख देना है। सेचुरेशन आप लोगों को 10 के आसपास रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो टिंट है ना, टिंट को आप लोगों को 10 के ऊपर नहीं जाना है एंड टेम्परेचर को प्लस कर देना है जितना टिंट को रखा हो, ठीक है। तो माइनस 8 रख दिया हूँ, प्लस 8 रख दिया हूँ। देन यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। अब आप लोगों को करना क्या है, मिक्स कलर पर चले जाना। यहाँ पर जो फेस का कलर होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना, सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस की तरह करना, वाइट हो जाएगा। लाइट बढ़ाना चाहते हो तो लुमिनेंस बढ़ा देना, ठीक है। तो लाइट नहीं बढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ड्रेस का कलर है ब्लू एंड स्काई एंड पर्पल कलर, तो ब्लू कलर में सिलेक्ट करूँगा, सेचुरेशन बढ़ा दूंगा एंड ह्यू इधर उधर कर सकते हो जो आपका मर्जी, ठीक है। फिर मैं स्काई कलर में जाऊँगा, ह्यू को फुल्ली बढ़ा दूंगा क्योंकि ब्लू करना है, तो सेचुरेशन को भी साथ साथ बढ़ा देना है। पर्पल कलर में जाकर पर्पल कलर का ह्यू इधर उधर कर सकते हो, ड्रेस का कलर जितना मैच करेगा उतना ही रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इतना ही रखूँगा, सेचुरेशन को भी बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब हमें बैकग्राउंड को कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड को जो कलर है हल्का सा येलो है एंड हल्का सा ग्रीन है, तो ग्रीन कलर में सिलेक्ट करूँगा। सो ग्रीन कलर का जो ह्यू है इधर उधर कर सकते हो, जो आपका मर्जी वो कलर डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो कल मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा कि बैकग्राउंड का कलर ब्लू टोन, स्काई टोन, पिंक टोन कैसे डाल सकते हो, कल मैं वीडियो बनाऊंगा। सिर्फ आप लोगों को दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसका जो ह्यू है इधर उधर करके रखना, ठीक है। ग्रीन कलर एंड येलो कलर ज़्यादातर बैकग्राउंड मतलब कलर होता है, ठीक है। तो मैं ग्रीन कलर का भी ह्यू चेंज कर दिया हूँ क्योंकि येलो कलर टोन देना है मुझे एंड साथ साथ सेचुरेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर लुमिनेंस बढ़ा देना है आपका फोटो के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं येलो कलर सिलेक्ट करूँगा, येलो कलर का भी सेचुरेशन बढ़ा दूंगा एंड ह्यू अब लोग इधर उधर करना जो टोन आप लोग डालना चाहते हो, ठीक है। तो मैं येलो टोन डालूंगा, तो यहाँ पर मैं लगभग इतना ही रखूँगा ह्यू को, लुमिनेंस थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। देन यहाँ पर फोटो जो है बहुत ही आसान तरीके से रिटचिंग हो गया है, तो यहाँ पर डन पर क्लिक। अब हमें इफेक्ट देने के बाद और भी क्रिएटिव लगेगा, बहुत ही खतरनाक लगेगा। तो इफेक्ट पर चलना है, सबसे पहले टेक्स्चर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, देन यहाँ पर क्लैरिटी को साथ साथ बढ़ा देना है थोड़ा सा, डैच को आपका फोटो का हिसाब से बढ़ाना है। तो मैं डैच को थोड़ा सा माइनस कर लूँगा, देन यहाँ पर विगनेट को साथ साथ कम कर लेना है, ठीक है। मिड पॉइंट को कम करना, थोड़ा सा फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड ये प्रोसेस आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, बहुत ही कम की आने वाली है, तो ये सही रहेगा, बहुत ही सही लग रही है। एंड ग्राइंड अमाउंट को साथ साथ बढ़ा देना क्योंकि फोटो के अंदर एक टेक्स्चर आ जाएगा, ओरिजिनल लुक लाएगा, ठीक है। तो ये ग्राइंड अमाउंट को ज़रूर से बढ़ाना है। डिटेल्स पर चले जाना, यहाँ पर शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, फोटो जो है बहुत एच डी क्वालिटी हो जाएगा। एंड और भी अलग सा इफेक्ट डाल सकते हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर सिलेक्ट टूल मिल जाएगा, सिलेक्ट टूल पर क्लिक करना, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना, यहाँ पर सर्कल, दो सर्कल मिल जाएगा, तो ये सर्कल को मैं ले लूँगा, नीचे से कुछ इसी तरीके से रख दूँगा। एंड इसका जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है। देन यहाँ पर साथ साथ डैच को भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा एंड हाईलाइट पर जाके थोड़ा सा एक्सपोजर कम कर लूँगा, और भी क्रिएटिव एंड बहुत ही सही लगेगा देखने में। एंड और भी प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा, ये गोल की सर्कल ले लूँगा एंड ये फेस के ऊपर मतलब चेहरे के ऊपर रख दूँगा, सिंपली बाहर में थोड़ा सा इफेक्ट डालना है। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, टैप करना मिडिल पर, इन्वर्ट आ जाएगा, इन्वर्ट पर क्लिक करना,
यहाँ पर जितने भी मैं इफेक्ट डालूंगा फेस के ऊपर या चेहरे के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ बाहर में आएगा, ठीक है। जैसे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, क्लैरिटी पर चलता हूँ, यहाँ पर जो क्लैरिटी है थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, डैज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, चाहे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। कलर में जाके कलर को सेचुरेशन बढ़ा सकते हो, टिंट को इधर उधर कर सकते हो, जो आपको मर्जी है, ठीक है। देन मैं इतने रखूँगा, टेम्परेचर को बढ़ा सकते हो आपका फोटो के हिसाब से, तो मैं ये रखूँगा, ठीक है। एंड ये सही लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कलर एडिटिंग कर सकते हो कुछ इसी तरीके से। तो यहाँ पर डन पर क्लिक। अब मैं कल दिखाऊंगा बैकग्राउंड का कलर अलग अलग तरीके से कैसे चेंज कर सकते हो, बहुत से आसान तरीके से मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है। फिर मैं दिखाऊंगा डॉर्जिन बन हेयर कैसे बना सकते हो, फिर यहाँ पर फोटो का एडिटिंग कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर मैं बाद में दिखाऊंगा मैनिपुलेशन एडिटिंग के लिए कुछ प्रोसेस है, वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। सर ये छोटा सा ट्रिक्स कैसा था कमेंट करके जरूर बताना। सेव करने के लिए सर पर क्लिक करना, यहाँ पर एक्सपोर्ट एस मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर आप लोगों को जेपीजी करके राइट पर क्लिक कर देना, सेव हो जाएगा। सर थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।